हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेशन मैनेजमेंट के बारे में देखा कि एंगुलर के अंदर हम कैसे सेशन मैनेज करते हैं, कैसे अपने डेटा को क्लाइंट साइड मींस कि यूजर के ब्राउजर में स्टोर कर लेते हैं, कितने टाइप का होता है, मींस कि हमने लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में देखा, दोनों का प्रैक्टिकल करके देखा। तो दोस्तों, उसमें हमने ये देखा कि कैसे हम अपने सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में डेटा को मेंटेन करते हैं और दूसरे कंपोनेंट पर जाने के बाद उसको गेट कर लेते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। अगर आपने मेरे उस इसके पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर विजिट कर लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके पर विजिट कर लें, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के वैल्यू को अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे पूरा क्लियर करेंगे और कैसे चेक करेंगे अगले कंपोनेंट पर कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में वैल्यू है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे ब्राउजर को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, कैसे जेसन स्ट्रिंग भेजेंगे। इन सारे चीजों को, बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इन सारे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, पहला स्टेप होता है कि कैसे हम अपने इंट्रीज को, जो कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसका सिंपल सा वे होता है, जहां पर हम सेट करते हैं दोस्तों, वहां पर हम नए वैल्यू को डाल देंगे तो अपने आप क्या होता है कि पुराना वैल्यू रिमूव हो जाता है और नया वैल्यू अपडेट हो जाता है। तो चलिए इसका मैं एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जिस पर हम प्रैक्टिकल किए थे पिछले वीडियो में। और यहाँ पर हमने क्या लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डेटा को, लोकल डेटा और सेशन डेटा के अंदर ये डेटा हमने सेट किया था और यहीं पर हमने कंसोल में भी लॉग करा लिया था, राइट करा लिया था। उसके बाद इसी डेटा को हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर पर्सन के अंदर इसको गेट किया था हमने, राइट, गेट आइटम कर लिया था, राइट, लोकल डेटा और सेशन डेटा को। तो और इसका आउटपुट जो आ रहा था दोस्तों, ये है, जैसे कि ये आपका जो बाय डिफॉल्ट 4200 पोर्ट है, उस पर हमने रन कराने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर लॉग में आ गया और पर्सन पर जाने के बाद ये डेटा आ गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो लोकल में चंदन है और सेशन में अजीत, इसको हम डेटा को अपडेट करेंगे। मींस कि हम चाहते हैं कंपनी पर जाने के बाद, देखिए फिर राइट हो रहा है, इस पर जाने के बाद ही हमारा डेटा तुरंत से अपडेट हो जाए, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों कि चलिए अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और कंपनी वाले पर इस डेटा को अपडेट करेंगे। सिंपली हम इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, राइट। अब ये हम जाएंगे, अब ये देखिए हमारा एक्टिवेट हो रहा है, सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम ब्राउजर पर जाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी पर हम क्लिक करेंगे, अभी हमारा सेशन, एक मिनट, अभी हमारा यहाँ पर सेशन में इसको सेव नहीं हुआ शायद, ठीक है। उसके बाद इस पर जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पर आगे, देखिए कंपनी पर चंदन सिंह, अजीत पर कुमार, फिर पर्सन पर जाएंगे, आप देखिए दोनों अपडेटेड वैल्यू आ रहा है, राइट। मींस कि अपडेट करने के लिए सिंपली हम नए वैल्यू को असाइन कर लेते हैं तो डेटा हमारा अपडेट हो जाता है, राइट। तो दोस्तों, अगला होता है हमारा डिलीट इंट्रीज, मींस कि हम कैसे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज डेटा को डिलीट कर सकते हैं। मींस कि हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो, अगर हम उसे डिलीट करना हो, ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड होता है, इसको आप कोड होता है, इसको लिख सकते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट रिमूव आइटम की, मीन्स की रिमूव आइटम की को यूज करके आप कर सकते हैं, राइट। रिमूव आइटम लिखेंगे, उसके अंदर में की पास कर देंगे जिस की को आपको डिलीट करना होगा, राइट। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो दोस्तों, मुझे इस लोकल स्टोरेज को डिलीट करना है या फिर सेशन स्टोरेज किसी को भी, तो मान लो अभी मैं लोकल स्टोरेज को डिलीट करके देख रहा हूँ, तो लोकल
लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पर लिख देंगे रिमूव आइटम, और इसमें हम की को पास कर देंगे जो इसका की है, राइट। इसको हम की पास करेंगे, ये की पहलू पेयर होता है दोस्तों, यहाँ पर की को पास करेंगे, राइट, और यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे। अब इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, हमारा सर्वर एक्टिवेट होगा, उसके बाद जाकर देखेंगे ब्राउजर में दोस्तों, तो ये हमारा वैल्यू नल कर देगा। देखिए लोकल स्टोरेज नल कर दिया। अब पर्सन पर भी जाएंगे हम, कंपनी पर हम क्लिक करेंगे, देखिए नल आ गया, जबकि सेशन स्टोरेज में वैल्यू है। उसी तरह से सेशन को भी रिमूव आइटम और की पास करके इसको भी नल कर सकते हैं। पर्सन पर जाएंगे, देखिए नल आएगा, मीन्स को हमने इसको हटा दिया, राइट। तो ये हुआ हमारा कैसे रिमूव करें, कैसे डिलीट करेंगे अपने सेशन के वैल्यू को, राइट। दोस्तों अगला होता है हमारा क्लियरिंग एवरीथिंग, मींस कि दोस्तों लोकल स्टोरेज में हम जितने भी वैल्यू रखे होते हैं, जैसे मान लो दोस्तों कि हमने ऐसा सिनेरियो बनता है कि अपने एप्लीकेशन में हमने यूजर का भी आईडी रख रखा है लोकल स्टोरेज में, कस्टमर का भी आईडी हमने लोकल स्टोरेज में रख रखा है, तो जो भी हम रख रखा है हमने लोकल स्टोरेज में, हम चाहते हैं कि एक ही बार में सबको क्लियर कर दें, मीन्स कि लोकल स्टोरेज हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो हम एक ही कोड से कर सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। इस तरीके से अगर हम सेशन में हमने रख रखा है बहुत सारे मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल यूजर के रिक्वायरमेंट जैसा होता है, जैसे यूजर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, एडमिन आईडी हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर हमने सेशन स्टोरेज में रख रखा है, तो एक साथ हम उसको क्लियर कर सकते हैं सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर करके। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों मान लो मैं इसको क्या करता हूँ कि इस लोकल स्टोरेज को दो बना लेता हूँ, एक मान लो दोस्तों हमने यूजर आईडी के लिए बना लिया और एक कस्टमर आईडी के लिए बना लेता हूँ, इसका की मैं चेंज कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजर आईडी, राइट, और यहाँ पर हम कस्टमर आईडी कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पर इसका वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लो इसको इसी इसी रहने देते हैं और इसको हम राहुल कर देते हैं, राइट। अब इसको हमें गेट करना होगा, ये तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, इसको हम हटा लेंगे, डिलीट वाला है, और इसको हम चेंज कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर कंसोल कॉपी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी कर देंगे। इसी को हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी करके पर्सन वाले पर भी रख लेंगे, इसको हटा देंगे, इसी की जरूरत है नहीं। अब क्या, इसको सेव करके एक बार दिखाता हूँ आपको, फिर इसको क्लियर करके दिखाऊंगा आपको, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो रहा है सर्वर, देखिए लोकल में, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर, यहाँ पर पर्सन पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए लोकल में चंदन सिंह और यहाँ पर राहुल सिंह आ रहा है, सेशन में अजीत सिंह आ रहा है, राइट। अब ये दोस्तों इस दोनों को हमें क्या करना हो कि डिलीट करना हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्लियर लगाएंगे, राइट। यहीं पर हम जहाँ पर यहाँ क्लियर लगाएंगे तो यहाँ पर गेट नहीं होगा, अगर स्टार्टिंग में यहीं पर हम क्लियर लगा लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो ये दोनों डेटा को रिमूव कर देगा, राइट। अब सर्वर एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर जाएंगे पहले कंपनी पर जाएंगे, इसको पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए नल आ गया, कंपनी में जाएंगे, देखिए दोनों वैल्यू को नल कर दिया, मींस कि लोकल स्टोरेज में जितना भी डेटा था सबको ये क्लियर कर दिया, बट सेशन वाले को हमने छोड़ दिया था, सेशन को क्लियर नहीं किया था, सेशन में डेटा दिख रहा है, राइट। तो ये होता है क्लियर करने का, क्लियर एवरीथिंग, बस क्लियर फंक्शन को कॉल करेंगे सब क्लियर कर देगा, राइट। तो अगला है हमारा स्टोरिंग जेसन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि पता है कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में हम ओनली स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, बट ऐसा सिनेरियो होता है दोस्तों कि हमें किसी कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को पास करना होता है और हमें जेसन फॉर्मेट में उसको गेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड को यूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि लेट माई ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है और इस ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं माई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में, तो ये क्या करता है दोस्तों कि एज ए स्ट्रिंग हमारे लोकल डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में ये पास कर देता है, और जहां पर हमें गेट करना होता है दोस्तों वहां पर जेसन डॉट पास कर देते हैं, तो क्या करता है कि हमें वहां पर जेसन के फॉर्मेट में डेटा दे देता है, राइट। मीन्स कि जैसे एज ए सिनेरियो हमें ऐसा होता है कि किसी पेज पर हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा होता लाना होता है किसी और कंपोनेंट से, तो वहां पर हम इस कोड को यूज करते हैं, राइट। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को यूज करके पास कर लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट पर हम जेसन फॉर्मेट में गेट कर लेते हैं, राइट।
तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या करेंगे कि ये क्लियर का जो मेथड हमने बना रखा था इसको हटा लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि एक हम लेट एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे, और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसमें लिखेंगे कि एफ नेम, इसमें हमने डाल दिया दोस्तों चंदन, और यहाँ पर कॉमा एल नेम मतलब कि लास्ट नेम में हमने डाल दिया सिंह, राइट। ये हो गया दोस्तों एक ऑब्जेक्ट, इसको हमें पास करना है अगर यहाँ पर यूजर आईडी के साथ। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम कि इसको हटाएंगे, राइट, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जेसन, देखिए यार यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, राइट। ओबीजे को हमने पास कर दिया, तो क्या क्या एज ए स्ट्रिंग सेट हो गया लोकल स्टोरेज में। अब हमें गेट करने के दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे डायरेक्टली कि जेसन डॉट पार्स, राइट। यहाँ पर हम इसको और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, राइट, और यहाँ पर हम कंसोल को क्लोज कर लेंगे। या फिर यहाँ पर मल्टीपल हो गया, इसको एक रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से भी एक रिमूव हो जाएगा, राइट। इसी को कॉपी करके हम दूसरे पेज पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर इस पेज पर भी ये मिल जाएगा, राइट। तो अब हम इसको रन कराकर देखते हैं, यहाँ पर पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए डेटा आ गया है, जैसे हम कंपनी पर क्लिक करेंगे देखिए जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया हमारा, एफ नेम में चंदन एल नेम में सिंह। अब पर्सन पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा, राइट। तो ये होता है दोस्तों कंप्लेक्स सब्जेक्ट को हमें जेसन फॉर्मेट में गेट करना होता है किसी और कंपोनेंट पर, तो ये कोड हम यूज करते हैं। बहुत ही फायदा होता है दोस्तों लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को हम, जो कि हम क्लाइंट साइड का वर्क इजिली कर लेते हैं, राइट। इसमें कोई सर्वर का इंटरेक्शन नहीं होता है, राइट। तो दोस्तों अगला है हमारा कि सेशन में हम कैसे चेक करेंगे कि लोकल स्टोरेज में और सेशन स्टोरेज में डेटा है ये या नहीं है, राइट। तो इसके दोस्तों ये कोड होता है हमारा कि हम कंडीशन लगा लेंगे कि इफ लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, राइट, तो उसका हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं कि अवेलेबल है नहीं है, इल्स में हम अपना इल्स का वर्क कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम पर्सन के कंपोनेंट पर चेक करेंगे कि हमारा जो सेशन का डेटा है आ रहा है, डेटा है या नहीं है, या राइट। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ सेशन स्टोरेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, राइट, और यहाँ पर हम अपने इफ का वर्क लिख सकते हैं, फिर नीचे हम इल्स लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि अपने तरीके से अलर्ट जो भी आपको वर्क करना हो, मैं अलर्ट में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख लिया डेटा अवेलेबल, राइट, और यहाँ पर हमने लिख लिया अलर्ट में डेटा नॉट, राइट। तो ये हो गया दोस्तों कि आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं या फिर अलर्ट के अंदर, या फिर आप आइडेंटिफाई करने के लिए फिर अपना वर्क कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर अभी तो हमारा डेटा है, यहाँ पर सेशन में हमने डेटा है या इसको क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पर डेटा दिखाएगा डेटा अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर हमने कंपनी पर गए, यहाँ पर सेशन देखिए अजीत कुमार है, पर्सन पर जाएंगे तो दिखाएगा डेटा अवेलेबल, राइट, क्योंकि सेशन में डेटा अवेलेबल है। अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ तो डेटा नॉट अवेलेबल दिखाना चाहिए। मान लो दोस्तों हमने इसको क्या कर दिया, सेशन को सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर कर दिया हमने, राइट, हमने क्लियर कर दिया। तो अब क्या करेगा दोस्तों, इसको हम सेव करेंगे, पार्स हो रहा है यहाँ पर अभी, ये कंपाइल हो गया है, तो इसमें हम ब्राउजर पर जाएंगे,
यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए सेशन में वैल्यू नल कर दिया, राइट। सेशन नहीं है तो जैसे ही पर्सन पर जाएंगे डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, राइट। मीन्स कि हम जैसे ही हम चेक करने का एक कोड लिखते हैं कि दूसरे कंपोनेंट पर पहले हमें कोई वर्क करने से पहले चेक करना होता है कि डेटा हमारा अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके इफ कंडीशन उस वर्क को करते हैं। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि कोडिंग करते टाइम कि अगर हम चेक नहीं करते हैं तो हमारा आगे का कोड क्या होता है, अच्छे से रन नहीं कर पाता है, एरर थ्रो करता है, राइट। तो ये भी जानना जरूरी होता है कैसे चेक करेंगे, राइट। तो दोस्तों अगला होता है हमारा चेकिंग फॉर सपोर्ट, मींस कि हमारा ब्राउजर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को। उसके लिए कोड होता है दोस्तों इफ में हम लगा लेते हैं कि विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, अगर ये हमारा ट्रू होगा तब पता चलेगा कि ये हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।